गुड मॉर्निंग बच्चों, मानी मैम, हिंदी लिटरेचर की बुक निकाल लीजिए। सभी लोग निकाल लो। निकाल ली है मैम, निकाल ली है। निकाल ली हो अनन्या, ईशा, निकाल लीजिए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। हम लोगों ने लिटरेचर में कहाँ तक कंप्लीट कर लिया अभी तक? मैम 17 चैप्टर तक स्वच्छता मंत्री गौरैया के लिए पढ़ना है। चैप्टर नंबर 18 पढ़ना है गौरैया के लिए, ठीक है? यस मैम, यही पढ़ना ना हम लोग को। गौरैया जानते हो क्या होता है? यस मैम, बताइए। पंछी मैम, ये पंछी होती है मैम, छोटी सी, एक छोटी सी चिड़िया होती है गौरैया। पक्षी को हम लोग गौरैया कहते हैं, ठीक है? उसके बारे में यहाँ पे वर्णन दिया गया है कि गौरैया के लिए क्या एक व्यक्ति ने किया था, ठीक है? चले स्टार्ट करें पढ़ना स्टोरी, ठीक है? यस, पढ़ते चल रहे हैं, समझिए कि बीच में हम क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है? यस, स्टार्ट करें। यस मैम, चलिए। सूरज नाम का व्यक्ति पोखरी गांव में रहता था। क्या था? सूरज नाम का एक व्यक्ति था, कहाँ रहता था सूरज नाम का व्यक्ति? पोखरी गांव में पोखरी गांव में रहता था, पोखरी गांव में रहता था, ठीक है? खेती करना उसका कार्य था। क्या काम था उसका? खेती करना उसका काम था। देखिए बच्चों, बीच में कोई बोलेगा नहीं, ठीक है? यस मैम, हम स्टोरी पढ़ रहे हैं, बीच में अगर जहाँ पे अगर दिक्कत है तो बीच में बोलिए, नहीं तो फिर बात मत कीजिए, ठीक है? क्लियर है? नाम का व्यक्ति पोखरी गांव में रहता था। खेती करना उसका कार्य था। क्या उसका कार्य था? क्या वर्क करता था? रोज खेती करता था, परंतु उसका खेती करने में मन नहीं लगता था। क्या था? कि सूरज का तो काम था कि वो काम करे, खेती करे, लेकिन क्या था कि उसको मन नहीं लगता है। कहा जाता है ना कि हमारा काम में, जिस काम में मन नहीं लगता है तो वो काम सही होता भी नहीं। पुरखों की सारी जमीन पड़ती पड़ी थी, करे तो क्या करे, भूख तो रोज ही लगती थी, इसलिए वह सुबह सुबह जंगल की ओर चल पड़ता। क्या करता था? भूख मिटाने के लिए सुबह सुबह जंगल की ओर चल देता था। जंगल में पके फल मिल जाते हैं। क्या था? जब जंगल जाता था रास्ते में तो जंगल में फल लदे हुए रहते थे जो पके उनको मिल जाते थे। जब फल नहीं मिलते तो सूखी लकड़ियां बटोरता तथा लकड़ियों को लेकर गांव आता। क्या करता था कि जब वो जंगल में जाता था, उसको फल नहीं मिलता था तो क्या करने लगता था? सूखी लकड़ियां ही बटोर के वो ले आता था गांव। यदि कोई लकड़ियों के बदले दो चार रोटियों दे देता तो सूरज का पेट भर जाता। क्या था कि जंगल में जाता था, अगर उसको फल मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, वो अपनी भूख मिटा लेता था। लेकिन जब उसे नहीं मिलता था तो क्या करता था? लकड़ी बटोर के लाता था और उसको दूसरे व्यक्ति को देता था, जिससे उसे दो रोटी मिल जाती थी और उससे अपनी भूख मिटाता था। कभी कभी वह सोचता कि अपने पुरखों की जमीन पर खेती करें। वो क्या सोचता था कि क्यों ना मेरे, हमारे जो पुरख लोग हैं उनकी जमीन पर ही खेती करें। पुरखों लोग जानते हो क्या होता है? पूर्वज, मैं पूर्वज, पूर्वज। और क्या अर्थ होता है मैम? जैसे आप जो हमसे, बोलो मैम, जो हमसे बड़े हैं, जो हमसे बड़े हैं, जो हमारी पहले पीढ़ी के हैं, जो हमारे दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, जो हमारी पहले की पीढ़ी के हैं, उन्हें हम पूर्वज कहते हैं। लेकिन सोचते ही लगता कि पड़ती जमीन पर खेती करना उसके बस की बात नहीं है। एक दिन सूरज जंगल में लकड़ियां बटोर रहा था। क्या कर रहा था सूरज जंगल में? लकड़ियां बटोर रहा था। अचानक उसका हाथ किसी कोमल चीज पर पड़ा। उसका हाथ क्या हुआ? एक किसी कोमल चीज पर पड़ा।
की हल्की सी आवाज आई जब देख उसका हाथ कोमल सी चीज पे पड़ा तो वहां से क्या आवाज आई, चीची की आवाज आई। सूरज ने उस सुक्ता से देखा, सूरज ने क्या हुआ उस शख्स से मतलब बहुत ही एक्साइटमेंट में उसे देखा। वहां एक नन्नी सी गौरैया थी, और क्या देखा कि वहां जो कोमल हाथ जिस पे पड़ा था वो एक छोटी सी प्यारी सी गौरैया है। सूरज ने गौरैया को उठाया, सूरज ने क्या किया उसको उठाया। वह कमजोर और बीमार लग रही थी, वो क्या थी बहुत ही कमजोर और बीमार थी। गौरैया उसे कुछ कह रही है, क्या क्या लगा उसको, बात मत कीजिए बार बार बोल रहे हैं हम। यस मैम। जो गौरैया थी वो क्या थी, बीमार थी और कमजोर थी, ठीक है। यस मैम। बीमार और कमजोर थी, उसके बाद क्या हुआ, बीमार और कमजोर लग रही थी। उसकी चीची की आवाज भी बड़ी धीमी निकल रही थी। क्या करते हैं चिड़िया लोग, क्या करते हैं चीची चीची करते रहते हैं ना, तो उसके जो चीची की आवाज थी बहुत ही धीमी निकल रही थी। सूरज को लगा गौरैया उससे कुछ कह रही है, सूरज को क्या लगता है गौरैया उससे कुछ कहना चाह रही है। गौरैया भूखी प्यासी होगी, वो क्या सोचता है कि जो गौरैया है वो बहुत ही भूखी और प्यासी होगी। ऐसा सोचकर उसने दो बूंद पानी चिड़िया की चोंच में डाला। उसने क्या सोचा कि ये जो चिड़िया बीमार सी लग रही है बहुत ही भूखी और प्यासी है, क्यों ना हम दो बूंद पानी इसमें डाल दें। उसने क्या किया, बूंद पानी चिड़िया की चोंच में डाला और उसे एक जंगली फल खाने को दिया। उसने क्या किया, एक जंगली फल खाने को दिया, ठीक। सूरज दिन भर चिड़िया को कंधे पर बैठाए जंगल में लकड़ियां चुता रहा। वो क्या करता रहा, चिड़िया को बैठाए हुए अपने कंधे पर लकड़ियां चुन रहा था। संध्या के समय ऋषिराज, माइक ऑफ कीजिए अपना। संध्या के समय वह सीधा अपने पड़ोसी के घर गया। क्या किया, वह सीधा, संध्या में क्या होता है शाम का समय, वह सीधा अपने पड़ोसी मीन्स जो हमारे घर के अगल बगल रहते हैं उन्हें हम कहते हैं पड़ोसी, पड़ोसी के घर गया। लकड़ियां देकर कुछ दाना ले आया। उसने क्या किया, लकड़ियां दिया और उसका कुछ दाना ले आया। गौरैया को दाना डाला। उसने क्या किया, पक्षी क्या करती, चिड़िया क्या करती है सिर्फ दाना खाती है, तो उसने क्या किया उसके लिए दाना ले आया, वह खाने लगी। सूरज बोला, देखो चिड़िया रानी आराम से मेरे घर में रहो, जब ठीक हो जाओ तो उड़ जाना। वो क्या कहता है चिड़िया से कि तुम आराम से यहाँ पे अपना घर समझ के रहो और जब ठीक हो जाओगी तो उड़ जाना। गौरैया सूरज के घर खुश थी। क्या थी गौरैया थी, वो बहुत ही खुश थी। क्यों था, क्यों खुश थी, क्योंकि उसे सब कुछ मिल रहा था और अच्छे से वह रहती थी। वह रोज सूरज के कंधे पर बैठकर जंगल जाती, वो क्या करती थी सूरज के कंधे पर बैठकर जंगल की सैर करती, रास्ते में उसे गाना सुनाती, रास्ते में क्या करती थी उसे अच्छे अच्छे गाना सुनाती थी। शाम को उसी के साथ लौट आती, शाम को उसी के साथ क्या करती थी कंधे पर बैठ के लौट आती थी। सूरज गौरैया की बहुत देखभाल करता था, वो क्या करता था, एक उसको पक्षी मिल गया, हम सफर मिल गया था, तो क्या करता था उसकी बहुत ही देखभाल करता था। अब वह रोज लकड़ियां चुनकर लाता, लकड़ियां बेचकर अपने लिए खाना और चिड़िया के लिए दाना लाता था। क्या करता था, काम करता था, अपने लिए खाना लाता था और चिड़ियों के लिए, चिड़िया के लिए दाना लाता था। धीरे धीरे सूरज गौरैया को चाहने लगा। क्या किया, धीरे 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 सूरज जो है गौरैया को बहुत ही चाहने लगा। उसे एक साथी मिल गया था, यही बताया ना, उसे एक हम सफर मिल गया था। धीरे धीरे गौरैया ठीक हो गई, धीरे धीरे क्या हुआ गौरैया भी ठीक हो गई। अब सूरज चाहता कि गौरैया उसके साथी रहे। अब क्या था, जिसके प्रति हमारा लगाव हो जाता है, हम जिसके प्रति प्यार स्नेह उत्पन्न होने लगता है, तो हम क्या चाहने लगते हैं कि वो व्यक्ति हमारे साथ रहे, वो चीज हमारे साथ रहे। कोई भी चीज हो सकती है, जरूरी नहीं है कि पक्षी, ठीक है, इंसान भी हो सकता है, पक्षी भी हो सकता है, जानवर भी हो सकता है। तो क्या होता है, हम किसी के केयर देखभाल करने लगते हैं, उसे चाहने लगते हैं, अपना मानने लगते हैं, तो क्या होता है, हम चाहते हैं कि वो हमारे साथ जिंदगी भर।
तो वराया भी सूरज को छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहती थी। बरसात का मौसम आ गया। अब क्या था, अब धीरे धीरे समय बीतता गया, बरसात का मौसम आ गया। कई दिन तक लगातार पानी बरसता रहा। कई दिन तक क्या हुआ, पानी भी बरसता रहा। सूरज लकड़ियां लेने जंगल नहीं जा सका। क्या था कि पानी खूब बरस रहा था, वो क्या करता, कैसे जाता जंगल, तो उसके पास कुछ तो था नहीं, तो वो जंगल नहीं जा पा रहा था। सूरज सोचने लगा, अब गौरैया के लिए दाना कहाँ से लाएगा। वो सोचने लगा कि हमारा भी भूखा पेट है और गौरैया का भी है, उसके लिए खाना कहाँ से लाएगा। सोचते सोचते उसका ध्यान अपनी जमीन की ओर गया। सोचते सोचते क्या हुआ, अपना ध्यान उसका खेत, जो जमीन थी उसके ओर गया। आखिर में सूरज ने अपनी परती पड़ी जमीन पर ही खेती करने का निर्णय लिया। परती में क्या होता है, जहाँ की जमीन जुती नहीं होती है, सिंचाई नहीं होती है, खेती नहीं हुई रहती है, वो परती जमीन कहलाती है। तो क्या किया, उस पर खेती करने का उसने निर्णय लिया। वह फावड़ा उठाकर चल दिया। उसने क्या किया, फावड़ा उठाया और चल दिया। उसने एक नजर जमीन पर डाली। उसने क्या किया, फावड़ा उठाया और अपनी नजर जमीन पर डाली और फिर जमीन खोदने में जुट गया। उसने क्या किया, फिर जमीन खोदने में लग गया। अब वहां जमीन खूब गहरा खोदता था। वो जमीन को क्या करता था, बहुत ही गहरा खोदता था। कंकड़ पत्थर छांट कर अलग कर देता और मिट्टी को बिछाता जाता। वो क्या कर रहा था कि बहुत ही गहरा खोदता चला गया। जो कंकड़ पत्थर मिट्टी से निकल रहे थे उसको एक तरफ किया और मिट्टी को बिछाते हुए चल दिया। गौरैया उसके आसपास उड़ती रहती। गांव वालों ने जब सूरज को इतना कड़ा परिश्रम करते देखा, तब वे भी उसका हाथ बटाने आ गए। उसने क्या देखा कि सूरज दिन रात ही बहुत ही मेहनत करने लगा था। क्या करता था, तो बाकी लोगों ने सोचा कि बहुत ही परिश्रम कर रहा है, क्यों ना हम इसका हाथ बटाएं। एक पड़ोसी ने खेत जोतने के लिए उसे अपने हल और बैल दे दिए। उसने क्या किया, एक पड़ोसी ने उसे खेत जोतने के लिए एक हल भी दे दिया और बैल भी दे दिया, और दूसरे ने कुछ बीज, बीज में जो उपजाऊ हो, जो मिट्टी में जब डालेगा तो उससे उपजाऊ होगी। कुछ दिनों बाद खेत में पौधे लहराने लगे। क्या हुआ, कुछ समय बाद जैसे जैसे समय बीतता गया और खेत में अच्छे अच्छे पौधे लहराने लगे। सूरज उनकी अच्छी देखभाल करता। सूरज क्या करता था, उस खेत की बहुत ही, जैसे गौरैया का देखभाल अच्छा कर रहा था, वैसे खेत का भी करने लगा। फसल पकी तो अनाज से घर भर गया। क्या हुआ, धीरे धीरे जैसे ही अनाज फसल पकेगी तो क्या होगा, अनाज होगा तो किसी को भी भूख की कमी नहीं रहेगी। तो क्या हुआ, उसका घर पूरा अनाज से भर गया। सूरज की खुशी का ठिकाना ना रहा। क्या हुआ कि जो सूरज की खुशी थी उसका कोई भी ठिकाना नहीं था। अनाज का ढेर गौरैया को दिखाते ही बोला, यह सब तुम्हारे लिए। गौरैया को क्या बताया, जो अनाज का ये दाने जितने हैं, जो भी है, ये सब तुम्हारे लिए है, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। क्या कहता है गौरैया से, अब तुम्हें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, अब तुम हमेशा मेरे साथ ही रहना। वो क्या कहता है सूरज कि तुम अब हमें कभी छोड़ के मत जाना, तुम हमारे साथ ही रहना। सूरज की बात सुनकर गौरैया खुशी से चहचहाने लगी और उसके साथ रहने लगी। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को, बताइए। माइक ऑन कर लीजिए आप। यस मैम, यस मैम। कहीं पे कोई दिक्कत नहीं समझ में आई हो, बताइए, कोई ऐसी लाइन जो ना समझ में आई हो। मैम समझ में आ गया। अच्छी लगी ना कहानी, क्यों अच्छी लगी नहीं? इससे पता चलता है कि हमें क्या करना चाहिए, इससे क्या हमें ज्ञान मिलता है, क्या उद्देश्य निकल रहा है इससे। मैं मेहनत से काम करना और मैं क्या करना चाहिए कि जब हम परिश्रम करेंगे तो क्या होता है, हमें फल भी मिलता है। ठीक है, क्या किया उसने, परिश्रम कैसे करना किया, उसे क्या मिला, फल मिलना स्टार्ट हुआ। ठीक, क्या कहा जाता है। और एक बात और, जब हम किसी की मदद करते हैं, ठीक है, या हम पहली लाइन में भी बताए थे जब स्टोरी पढ़ रहे थे,
जरूरी नहीं कि इंसान की, ठीक है, हम जानवर की, पक्षी की, कहीं की भी, इंसान की भी, किसी की भी हम जब वो करते हैं, परोपकार करते हैं, तो हमें उसका फल अवश्य ही मिलता है, ठीक है। और इसको क्या करना चाहिए, हमें अपनाना चाहिए, ठीक है। तो क्या होता है, यहाँ क्या वर्ड लिख रहे हैं, ठीक है, होता है बिना जुती ही जमीन, ठीक है। बटोरना मीन्स समेटना, ठीक है। परिश्रम मीन्स क्या होता है, मेहनत। पुरखो मीन्स क्या होता है, पूर्वज, ठीक है। कार मीन्स होता है काम। क्लियर है, ठीक। चलिए आप क्वेश्चन आंसर बताइए, पूछिए। यस मैम, यस मैम, बताओगे सभी बच्चे जिनका नाम लेंगे वही बताएंगे, ठीक है। यस मैम, ऋषिराज, यस मैम, सूरज पहले क्या करता था, खेती करता था। सूरज पहले क्या करता था, खेती करता था, ठीक है। राबिया, सूरज को गौरैया कहाँ और कैसे मिली। मैम, सूरज को गौरैया मैम जंगल में मिली, जब वो मैम लकड़ी बटोर रहा था। और जंगल में मिली जब लकड़ी बटोर रहा था, और उसका हाथ क्या होता है, कोमल केश पे पड़ता, तो जब वो देखता है तो गौरैया रहती है, ठीक है। क्वेश्चन है ईशा कुमारी, यस मैम, थर्ड क्वेश्चन आपके लिए, सूरज अपनी पत्नी जमीन पर खेती करने को तैयार क्यों हो गया। जो सूरज था वो अपनी बताओ मैम, वो गौरैया के लिए तैयार, मैम उसको खाना खिलाने के लिए तैयार था, इसलिए उसने अपने घर के पास खेती करी, पड़ती जमीन पर, ठीक है। क्या था कि जब बरसात समय हो गया था, उसे अनाज कहीं से नहीं मिल रहा था, तो उसने क्या सोचा कि अब हम मुझे ही हमारी जमीन है, पूर्वजों की जो जमीन है, उसमें ही हमें खेती करना होगा, जिससे मुझे अनाज मिल सकेगा, ठीक है। Amen. फोर्थ क्वेश्चन है अंशुमान, गांव वालों ने सूरज की मदद किस प्रकार की थी। मैं उसको एक बैल और एक हल देकर, उसने क्या किया, उसी लोग क्या करते थे, उसे मदद करते थे और उसे हल दिए, बैल भी अपना देते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, अच्छा ये बताइए सौर्य वर्मा कौन है। मैं शिवाश वर्मा। सौर्य वर्मा कौन है भैया, नाम बताइए अपना। थर्ड क्लास में हो तुम, बताइए जो सौर्य वर्मा, आपके क्लास उधर है रहती है, ठीक है, आपने गलत ऐड हो गए हो आप। लास्ट क्वेश्चन है सूरज के खुश होने का क्या कारण था। बताइए मैम, कौन बताए, पहले बता ले, जो पहले बता ले आंसर वही बताए। खेती करने की वजह से पूरा घर अनाज से भर गया, तो मैम वो बहुत खुश हो गया कि अब गौरैया के लिए उसका दाना कम नहीं पड़ेगा। सौर वर्मा शिवांश हो क्या तुम, फिर क्यों नहीं बोल रहे हो, हम पूछ रहे हैं कौन हो, तो नहीं बता पा रहे हो नाम, क्योंकि यहाँ पे नाम नहीं पता चलेगा तो कैसे जानेंगे हम। नहीं हो,
अच्छा ये बताइए, यस मैम, जब जब गौरैया ठीक होने लगी तो सूरज ने उससे क्या कहा? शिवांश आप बताइए, शिवांश वर्मा बताइए। मैम जब धीरे धीरे गौरैया ठीक हो गई तो उसने उससे बोला कि जब तुम गौरैया ठीक हो जाना तो फिर उड़ जाना, उड़ जाना। और फिर उसके बाद क्या हुआ, जैसे जैसे उनके पास रहने लगी तो? क्या हुआ था, सूरज उसे अपने पास ही रखना चाहता, पहले तो उसने क्या कहा था, पहले कहा था कि जब ठीक हो जाओगी तो उड़ जाना। क्या होता है कि उसे बहुत ही अच्छी लगने लगती है, उसे चाहने लगता है, तो क्या कहती है, एक उसका क्या बन जाती है, हम सफर बन जाती है। तो क्या कहता है कि अब मुझे छोड़ के मत जाना, तुम मेरे साथ हमेशा के लिए यहाँ पर रहो। तो समझ में आया ये स्टोरी, क्वेश्चन आंसर भी आप लोगों को समझ में आ गया? यस मैम। ठीक है, चलिए कुछ वाक्य बताइए, हम बोल रहे हैं उसमें वाक्य बनाना रहेगा, ठीक है? यस मैम। कोमल का वाक्य क्या बनेगा, ऋषिराज बताइए। मैम किसका, कोमल, ऋषि बताओ। मैम कोमल का वाक्य प्रयोग के लिए, वेरी गुड। साबिया मैम, निर्णय का क्या बनेगा? मैम निर्णय का, मैम सूरज ने गौरैया के लिए बहुत मुश्किल निर्णय लिया, सूरज ने गौरैया के लिए बहुत मुश्किल निर्णय लिया। ईशा कुमारी, ईशा कुमारी से ये वाला। यस मैम। ईशा कुमारी, परिश्रम का आप बताइए क्या होगा, परिश्रम का वाक प्रयोग क्या होगा? मैम किसका, परिश्रम इसका बताइए, इसका वाक प्रयोग क्या होगा? ओ मैम बताओ। मैम नहीं बेटा, हम पूछ चुके हैं ना ऋषि तुमसे, बताइए ईशा। मैम सूरज ने मैम गौरैया की बहुत मदद मेहनत करके उसे दाना दिया। गलत। श्रीवांश वर्मा, श्रीवांश वर्मा, श्रीवांश परिश्रम का बताइए क्या होगा, बताइए। अच्छा अंशुमन आप बताएं। सूरज, हाँ बताओ अंशुमन। सूरज ने चिड़िया के लिए खेतों में परिश्रम किया। गांव वालों ने सूरज को बहुत परिश्रम किया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा जवाब दिए। सुनिए ईशा कुमारी, आंसर क्या होगा कि सूरज ने गौरैया के लिए खेतों में परिश्रम करना प्रारंभ किया, ठीक। फिर उसके बाद देखभाल बताइए, शिवांश वर्मा। सूरज ने मैम देखभाल का क्या होगा? मैम सूरज गौरैया का बहुत देखभाल रखता था, बहुत देखभाल करता था, रखता नहीं था, ठीक है, देखभाल करता था। लास्ट है ईशा कुमारी, आप बताइएगा, ठीक है, इजी है, बता लेंगी। खुशी, ईशा, यस मैम। मैम खुशी का बताइए क्या होगा? मैम सूरज गौरैया को बहुत खुशी से रखता था, सूरज गौरैया को बहुत ही खुशी से रखता था। तो इतनी चीज समझ में आई, वाक प्रयोग कैसे बनता है, ठीक है, क्वेश्चन सर भी आप लोगों ने अच्छा बताया। तो ये चैप्टर क्लियर है आप लोगों को? यस मैम। बताइए चलिए, ठीक है, तो क्लास यहीं पे एंड करते हैं। कुछ पूछना है किसी चीज में, लैंग्वेज में या इसमें? दो वर्ब
बताइए सबिया, अंशुमन, ईशा। नो मैम। दो बार पूछ रही हूँ। नो मैम। दो बार। ठीक है, तो क्लास यहीं पे एंड करते हैं। आप लोग इसको रिवाइज कीजिए, पढ़िए, ठीक है? इसके होमवर्क कीजिए। यस मैम। ठीक है, चलिए। थैंक यू क्लास। थैंक यू मैम। बाय मैम। बाय मैम। बाय।